वेलकम आर यू एच एस एम के चले में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर यू एच एस बी एस सी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम जो आयोजित हुआ था उनके काउंसलिंग रूल्स के बारे में। यहाँ का जो रूल्स है काफ़ी खतरनाक है और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, आपको अपने अधिकार के बारे में पता होना चाहिए ताकि बाद में आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो पूरा का पूरा इनकी जो शर्त है वो अच्छे से हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं वन बाय वन करके। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आरक्षण नियम यहाँ पर बी एस नर्सिंग अध्ययन का कोर्स महिला व पुरुष दोनों अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है ना, सभी श्रेणी में महिला अभ्यर्थियों की संख्या सभी श्रेणी यानी कि जनरल ओबीसी एससी एसटी सभी में 50% से कम नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, अगर आप यहाँ पर आरएचएस में बीएस नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं, इसकी काउंसलिंग आप करवाना चाहते हैं, तो ये शर्तें इनके पता होना चाहिए कि 50% जो महिला है जो गर्ल्स है उनको पहले लिया जाएगा। यहाँ पर इनका सीट फिलअप होना जरूरी है। आरक्षण सभी राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय पीपीपी मोड विद्यालय, जो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक होता है गवर्नमेंट, एक होता है सेल्फ फाइनेंस और एक होता है प्राइवेट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे जो पीपीपी मोड पर चल रहे हैं या फिर निजी जो प्राइवेट जो नर्सिंग कॉलेज है, सीटों का आरक्षण राजस्थान सरकार के अनुसार होगा। जो हमारे राजस्थान सरकार है उनके कुछ रूल्स है, उनके कुछ आरक्षण के नियम हैं, उनके अनुसार यहाँ पर लागू होगा सभी कॉलेजों में, तो उनको भी आप देख लो पहले। जैसा कि कुल सीटों का 15% राजस्थान सहित संपूर्ण भारत के अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा, इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए। 50% राजस्थान सहित ऑल इंडिया के जो कैंडिडेट है ना, तो 15% उनके लिए यहाँ पर रखा गया है। इनमें 15 की 16, 12, 21, 5, 10, अब यहाँ पर क्रमश है 15% किन का, एससी का, 16% किन का, एसटी का, 12% किन का, ओबीसी का, ठीक है, अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी का 21%, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर एडब्ल्यूएस का 10%, ये आपको आरक्षण यहाँ पर मिलेगा। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग वाले होते हैं उनको 10%, अगर आपके पास भी एडब्ल्यूएस है तो आप भी इसको अप्लाई करके 10% की छूट पा सकते हो और कम नंबरों पर ही आपका एडमिशन यहाँ पर हो सकता है अगर आपके पास एडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है। सो गाइज, मैं तो यही कहूँगा, अगर आपके पास एडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो इसको अप्लाई ज़रूर करें ताकि आपका कम नंबरों में अच्छा कॉलेज आपको मिल जाए। प्रत्येक श्रेणी में महिला अभ्यर्थियों का परसेंटेज कुल सीटों का 50% से कम नहीं रहेगा, ये इनके टर्म एंड कंडीशन से। और काफ़ी सारे कमेंट कर रहे थे, सर हमारे पास बीपीएल कार्ड है तो क्या हमको भी छूट मिलेगी क्या आरक्षण में, यहाँ पर सीट कम नंबरों में सिलेक्शन होगा, या हमारे पास लेबर कार्ड है। तो गाइज देखो, ये जो बीपीएल है, लेबर कार्ड है, इनमें तो पीस में आपको छूट मिलेगी ओनली, किस में, पीस में, बट यहाँ पर सिलेक्शन के जो प्रोसेस है इसमें तो कोई छूट आपको नहीं मिलेगी लेबर कार्ड और बीपीएल का, इस बात का थोड़ा आपको ध्यान होना चाहिए। कम नंबरों में सिलेक्शन उन्हीं का होगा जिनके पास एडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, अगर नहीं है तो आप बनवा सकते हो एडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। कैसे बनवाते हैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो हम बना देंगे, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा होगा तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए आगे भी देख लेते हैं, काफ़ी सारे इनके रूल्स यहाँ पर है कि एसटी की 12% सीटों में से 45 सीटें एसटीए शेड्यूल ट्रिबल एरिया के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेगी, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि एसटी के जो 12% सीटें में से 45% सीटें एसटीए जो आते हैं ना शेड्यूल ट्रिबल एरिया के अभ्यर्थियों के लिए रहेगी, ये भी पक्का है। शेष 85% सीटों की 16%, 12%, 21%, 5% एवं 10% सीटें राजस्थान राज्य के आदेश अनुसार क्रमशः जन्म से एससी एसटी ओबीसी अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए आरक्षित रहेगी, महिला अभ्यर्थियों को राजस्थान सरकार के आदेश अनुसार दिया जाएगा। तो यहाँ पर 12 एसटी की जो 12 में से 45% यहाँ पर, जैसा कि आप देख पा रहे, ये देखिए इसको नोट करो आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, फिर मत कहना बाद में सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि राजस्थान सरकार का आदेश है, नोट कर लेना कि 12% में से भी 45%। ओके, किसी आरक्षित श्रेणी में महिला अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने पर रिक्त सीटों पर उसी आरक्षित श्रेणी के पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएगी, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। देखो, नॉलेज आप जितनी लोगे उतना अच्छा है, काफ़ी सारों को तो ये पता नहीं है काउंसलिंग के रूल्स, बट वो फिर भी काउंसलिंग करवाएंगे, फिर पूछेंगे सर हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, हमारे पैसे लग गए। तो देखो, वीडियो
अगर आप देखते हो, नॉलेज लेते हो, तो जिंदगी में अगर आप नॉलेज लेते हो ना, तो कोई भी समस्या आपको हरा नहीं सकती। तो यहाँ पर किसी आरक्षित श्रेणी में महिला अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने पर रिक्त सीटें उसी श्रेणी के, ठीक है, पुरुष द्वारा भरी जाएगी। किसी आरक्षित श्रेणी में महिला पुरुष दोनों उपलब्ध न होने पर रिक्त सीटें सभी के लिए स्वतः हस्तांतरित हो जाएगी। क्या बात है, ये भी आपको पता होना चाहिए, नोट कर लो इस बात को, फिर मत करना सर आपने बताया नहीं, हम तो पूरी बात पहले आपको बता रहे हैं। प्रत्येक श्रेणी में 5%, 16% और 21%, ये सब आपको पता होना चाहिए, ये इतनी छूट मिलने वाली है सभी को। इसके अलावा और भी यहाँ पर नियम है काउंसलिंग के, कि आरक्षण का लाभ लेने के इच्छुक अभ्यर्थी को आवंटित कॉलेज में रिपोर्ट करते समय सत्यापन हेतु समक्ष अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र, ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट है, इसी से आपका पता लगेगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग AWS जो इस श्रेणी में आते हैं, या फिर जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उनको भी छूट मिलेगी यहाँ पर, जो विकलांग है ना। तो उन्हीं से मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका जो सर्टिफिकेट है उसको अप्लाई जरूर करें, ताकि आपको यहाँ पर छूट मिल सके और आपका भी कम जो मार्किंग है उन पे सिलेक्शन हो सके। ये सब आपको प्रस्तुत करना होगा उसी टाइम पे, रिपोर्टिंग के टाइम पे। इसके अलावा और भी यहाँ पर है कि प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी को आवंटित कॉलेज में रिपोर्ट करते समय राजस्थान सरकार के चिकित्सा अधिकारी द्वारा सत्यापित मापदंड, ये सब आपको अप्लाई करना होगा, मेडिकल फिटनेस जमा कराना होगा, जो कि मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से मेडिकल फिटनेस सभी को बनवाना है। जी हाँ बिल्कुल, सभी को बनवाना पड़ेगा, ये तो मेडिकल फिटनेस, हेल्थ फिटनेस, और ये आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवा सकते हो, क्योंकि ये काउंसलिंग के बाद रिपोर्टिंग जो होता ना उस टाइम पे रिक्वायरमेंट होती है, और ये काउंसलिंग का रूल है। अब देखो एक बात और सामने आई कि बराबरी जो टाई होती है ना, समाधान के लिए इन्होंने एक नियम बना रखा है। जैसे मान लो आप हो, आपके नंबर आए यहाँ पे 65, अब कोई दूसरा स्टूडेंट भी तो होगा ना जिनके 65 है, कोई तीसरा भी तो होगा ना जिनके 65 है, वैसे तो बहुत सारे हैं, ठीक है, 65 वाले। अब आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया होगा, सर इनमें से रैंक फर्स्ट किसको मिलेगी, सेकेंड किसको और थर्ड किसको, तो बस यही वाली बात है। अब यहाँ पर रैंक फर्स्ट उसको मिलेगी जिसके 12वीं में 12th में अच्छे नंबर है, अच्छी परसेंटेज है, उनको रैंक फर्स्ट दे दी जाएगी। जिनके 12th में थोड़ा कम है उनको सेकंड, और जिनके 12th में बिल्कुल भी कम है उनके थर्ड पे। अब आप बोलेंगे सर अगर मान लो 12th में दोनों के बराबर परसेंटेज हो तो फिर, सो गाइज इसके लिए इन्होंने रूल बना रखा है कि अगर 12वीं में परसेंटेज सेम है तो फिर 10वीं की परसेंटेज देखी जाएगी, 10वीं की परसेंटेज। अगर मान लो 10वीं में भी सेम परसेंटेज है तो फिर उनकी एज देखी जाएगी, अब एज तो सेम नहीं हो सकती, तो एज जिनकी अधिक होगी उनको फर्स्ट रैंक मिलेगी, ये सा नियम यहाँ पर इन्होंने बना रखा है। ये देखिए 10+2 पास आउट फिर भी बराबरी होती है तो फिर 10वीं की, यही बात इन्होंने यहाँ पर बोल रखी है, ये सीधे शॉर्टकट में मैंने आपको समझा दिए। तो फिर मत कहना सर हमारा कोई दोस्त था उनके भी इतने नंबर थे उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी, तो उनका बैकग्राउंड देखा जाता है। और यहाँ पर आप देख लो नियम पूरे के पूरे, कि जो गवर्नमेंट है वहाँ पर तो 100% सीटें है सही, जबकि जो निजी होते हैं ना आपके प्राइवेट कॉलेज, वहाँ पर भी 50% सीटें काउंसलिंग के द्वारा भरी जाती है, जो आप काउंसलिंग करवा के ले सकते हो, और बाकी के 50% पे आप सीधे डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो, स्कॉलरशिप तो फिर भी आपको मिलेगी। और यहाँ पर एक बात देख लो कि राजकीय कॉलेज 100% सीटें, झालावाड़ नर्सिंग कॉलेज NH 52, ये NH 12 पे है कोटा रोड पे, 100 में से 58 एवं निजी नर्सिंग कॉलेज में 50% सीटें, पूरा पूरा मैटर यहाँ पर आ गया। सो गाइज मैं आपसे यही कहूँगा, ये जो रूल्स मैंने आपको बताए इनको अच्छे से देख लो आप, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और वैसे टेलीग्राम फॉलो कर रखा हो तो वहाँ पर भी सेंड कर देंगे। इनसे क्या होता है, इन रूल्स अगर आपको पता है तो आपको अपने अधिकार मिल जाते हैं, ताकि आप कहीं पर भी हार नहीं मान सकते, है ना। तो यहाँ पर ये काफ़ी बड़ा इनका रूल है। और देखो आपको पहले कितने पीस की बात करें तो पहले 10,000 लगते थे, बट अब ऐसा नहीं है, अब 500 तक में आपकी काउंसलिंग हो जाती है, तो इसके लिए लाइक बनता है गाइज। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत होती है जब आप रिपोर्टिंग करते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपके ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है आपने इधर उधर कर रखे हैं तो निकलवा लो, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है। और आपकी काउंसलिंग 1 वीक के जो टाइम है उनसे भी पहले स्टार्ट हो जाएगी। चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा ना तो पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। ये डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लेना पूरे के पूरे, और अपना
जो आरक्षण है उसको लेके रहना, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, EWS में आते हो है ना, या फिर आप जो MBC में आते हो, आरक्षण आपको मिला हुआ है ताकि आपका कम नंबरों में सिलेक्शन हो सके गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में।